द्विवेदी। और डोडा में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए जैसा के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। उधर शहीद जवानों को सैन्य सम्मान के साथ जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में डोडा के शहीदों को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे और शहीदों को नमन किया। डोडा के डेसा में हुए मुठभेड़ में कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे। जिन जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उनमें कैप्टन ब्रिजेश थापा, सिपाही ब्रिजेंद्र, सिपाही अजय कुमार सिंह, नायक डी राजेश शामिल हैं। दरअसल सोमवार सुबह से ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस डेसा इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान सोमवार को दो बार जवानों का आतंकियों से आमना सामना हुआ। पहली बार आतंकी घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले और फिर दूसरी बार रात के 9 बजे हुए मुठभेड़ में सेना के जवान घायल हो गए। आतंकी वारदात के बाद जम्मू के एडीजीपी ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान गुनाहगार आतंकियों को सरगर्मी से तलाश रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं। राजन, तो सुरक्षा बलों का अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर अभी भी है, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितनी संख्या होगी इन आतंकियों की? जी देखिए वैष्णवी, भाटा देसा का ये जंगल है जहाँ पे दो दफा जो है कल से जो कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ आतंकवादियों के साथ। दोनों दफा जो है वो निकल गए। एक दफा वीडीजी मेंबर ने जो है वो उस पर देखा, उनको नोटिस किया और उन पे जो है गोली दागी, लेकिन उसके बाद वो उस जगह से भाग गए। लेकिन बाद में जो सेना है वो उसकी अतिरिक्त टुकड़ियां जो है वो उस इलाके में डिप्लॉय की गई हैं और कॉर्डन को टाइट कर दिया गया है उस इलाके में। उम्मीद यही है कि वो जो तीन आतंकवादी हैं वो उस इलाके में कॉर्डन के बीच में हैं और कभी भी जो है ये मुठभेड़ जो इनकाउंटर है उसकी शुरुआत हो सकती है। ये साफ हो चुका है कि जो आतंकवादी हैं वो इन्हीं भाटा देसा के जो जंगल हैं उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं और अब केवल समय की बात है कि कब तक जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन तक पहुंच पाते हैं और उनका सफाया किया जाता है। क्योंकि दो दिन हो गए लगातार जो है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये बहुत बड़ा इलाका है वैष्णवी, और ऐसे में जिस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सेना के जो जवान हैं वो जंगल के चप्पे चप्पे पे जो है वो तैनात हैं। और कोशिश यही है कि क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जो ये जंगल का इलाका है ये इंटरकनेक्ट करता है, जो बाटा देसा का जंगल है ये अनंतनाग जो जिला है कश्मीर घाटी का, वो जो उसकी पहाड़ी रेंज है वो उसको भी कनेक्ट करती है। तो ऐसे में ये भी अंदेशा है कि जो ये आतंकवादी हैं ये अनंतनाग जो जिला है कश्मीर घाटी का वहां भागने की कोशिश में हैं, क्योंकि ये जो जंगल हैं ये काफी घने जंगल हैं और इसमें कई ऐसे नेचुरल हाइडआउट्स होते हैं जहां पे ये छिप सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी बहुत ही एहतियातन जो है इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है ताकि ज्यादा कोई कैजुअलिटी ना हो हमारी फोर्सेज की। और जो तीन आतंकवादी जो यहाँ पे छिपे हुए हैं और घात लगा के हमला करते हैं और वापिस इन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं, अब उनकी लोकेशन जो है वो लगभग जो है वो मालूम है कि इन्हीं जंगलों में मौजूद है, लेकिन जो जंगल का फैलाव है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस ऑपरेशन को अपने जो असली अंजाम तक ले जाना एक चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं और जल्द ही जो है इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा, उम्मीद यही है। बाकी जो ये बिल्कुल हिली रेंज है ये कठुआ से लेकर, जैसे मैंने पहले कई दफा बताया है कि कठुआ से
यहाँ जो डूडू बसंतगढ़ है, फिर वहाँ से जो डोडा भदरवा, उसके बाद किश्तवाड़ के इलाके हैं, और यहाँ जो अनंतनाग जिला है कश्मीर घाटी का, ये इंटरकनेक्ट हैं ये पहाड़ियाँ जो हैं। तो ऐसे में जो आतंकवादी हैं इनके लिए एक नेचुरल हाइड आउट्स है, एक सेफ हेवन ये पहाड़ियाँ बन चुकी हैं, जहाँ पे इन सब आतंकवादियों को यहाँ से निकालना, उनको उनका सफाया करना, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो तीन आतंकवादी हैं ये लगभग जो है घिर चुके हैं अब समय के बाद, लेकिन जो चाहे वो पीर पंचाल का इलाका है, चाहे वो चनाब वैली का इलाका है, जहाँ जितने आतंकवादी वहाँ मौजूद हैं, सबको सबका सफाया करना ये एक चुनौती है। क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं ये लगातार जो है इनका जो कोशिश है कि जम्मू में जो है एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा कर दी जाए, यहाँ पे जो है एक जंग का मैदान इसको बना दिया जाए, ये खुफिया एजेंसी जो ISI है पाकिस्तान है, ये उसकी मंशा है। तो उस मंशा को जो है वो निरस्त करना, उसको शिकस्त देना, ये एक बड़ा जो एक स्ट्रेटजी है वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस बना रहे हैं। जी वैष्णवी। जी राजन, और जैसे कि आपने बताया कि घना जंगल होने की वजह से मुमकिन है कि सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। बिल्कुल वैष्णवी, कल से ही हमने देखा कि जिस इलाके में हम लाल दरमन इलाके में मौजूद थे, तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की जो है वो मदद ली गई है। जाहिर सी बात है घने जंगल हैं, ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये पेट्रोलिंग करती पार्टी पे जब अटैक हुआ, वो भी अगर हम देखेंगे तो एक रिज बना हुआ है पहाड़ी पे, और वहां पे एक तलाशी अभियान ही चलाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। लेकिन रिज ऐसा होता है कि यदि आप सामने आपके आतंकवादी आ जाए तो आप उस रिज में फंस जाते हैं, वापस भाग नहीं पाते हैं। तो ऐसा कोई एम्बुश ना लगा हो और इस तरह से कोई डैमेज ना हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस बात का ध्यान रखना, इस बात की एहतियात रखना बहुत ही अहम होगा यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से उन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन है, ग्रेनेड्स हैं, तो ऐसे में वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए उन आतंकवादियों को तो उनका सफाया किया जाएगा, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। जी वैष्णवी। जी राजन, और जैसे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है तो इसका उस पर असर जरूर दिखने को मिल रहा है, क्या कुछ सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं, कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है अमरनाथ यात्रा की? देखिए क्योंकि जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो कठुआ का इलाका है, रियासी का इलाका है, हमने कुछ दिन पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ अखनूर इलाका है, वहां भी तलाशी अभियान चलाया गया, वहां भी संदिग्ध देखे गए। तो संदिग्ध को देखने का जो सिलसिला है वो जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बना हुआ है, जिससे ये इस बात जाहिर हो जाती है कि काफी संख्या में जो आतंकवादी हैं वो घुसपैठ करके इस तरफ आ चुके हैं, और वो जो इन्हीं पहाड़ों में जो है वो आके छिपके हैं, और जो लोकल गाइड्स हैं उनके साथ हैं। तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा पे भी इसका जो साया है, इसका जो आतंक है वो उसकी जो है वो आ सकता है। इसको इसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जब यात्रा चलती है तो तभी नेशनल हाईवे पे सभी तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको रोक दिया जाता है, जो वहाँ मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है, ताकि जब कॉन्वॉय निकल जाए उसके बाद ही जो बाकी लोग हैं उनको अनुमति होती है जाने की। लेकिन आसपास जंगली जंगल के इलाके हैं, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे है जम्मू से श्रीनगर, वहाँ कहीं ऐसे नेशनल हाईवे के साथ सटे हुए जंगल के इलाके जहाँ से आतंकवादी जो हैं इस अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको देखते हुए हाईवे पे भी हमने देखा है कि सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, हाईवे पे CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की जो पेट्रोलिंग है, डिप्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाया गया है। तो तमाम तरह की जो कोशिशें और इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए वो प्रशासन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से उठा लिए गए हैं। जी जी राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज अशुरा का दिन है। आज पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा है। इमाम बारगाहों से छोटे और बड़े शोक जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं, और करबला के शहीदों को याद करके उन्हें खराजे अकीदत पेश करते हैं।
और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव हैं इसी खबर पर, आबिद हुसैन बड़गाम से और मुनीर हुसैन गुलमर्ग से। तो सबसे पहले हम आबिद के पास जाएंगे। आबिद, शहर में क्या माहौल है इस वक्त और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? आपने कहा आशूरा है और जम्मू कश्मीर में भी आज आशूरा का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि बड़गाम में काफी जो बड़ा मैं काफी जो बड़ा जुलूस ऐसा है वो बरामद होता है। हम बिल्कुल बड़गाम इलाके में है और यहाँ से क्योंकि अंदर तैयारियां भी चल रही है, यहाँ से जो जुलूस आजा है वो बरामद होगा। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जो आजादार है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर ये जमा होंगे। यहाँ से जुलजन आलम शरीफ वो बरामद होगा और उसके बाद क्योंकि ये 5 किलोमीटर का जो वॉक है यहाँ से बड़गाम तक, उस वॉक में ये चलेगा। उस दौरान जो ये जुलूस है वो बरामद होगा। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा जुलूस है, इंतजामिया की तैयारी भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल की टीम भी रखी गई है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है। हम कोशिश करेंगे जो मेडिकल की टीम है इनसे भी बात करने के लिए, क्योंकि इनको इसलिए रखा गया है यहाँ पर ताकि जो आज़ादार है उनको फ़ायदा पहुँच सके, उनको सहूलत मिल सके, क्योंकि काफ़ी सारे मराइल होते हैं। क्योंकि 5 किलोमीटर का तकरीबन ये वॉक है, इस दौरान अगर किसी आज़ादार में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल टीम उसके लिए मौके पर मौजूद है। मुझे अपना नाम बताइए और डेजिग्नेशन। डॉक्टर ए जी रैना, पीएमओ बड़गाम हूँ। तो मैं आपकी वसारत से लोगों को ये संदेशा पहुँचाना चाहता हूँ कि हम क्या फैसिलिटी देते हैं। जो ये 10 मुहर्रम का जुलूस है, मुहर्रम का मरहलाओं का जुलूस है, यह 7 बजे स्टार्ट होता है। 7 बजे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस होती हैं, हमने यहाँ पर 5 एम्बुलेंसेस रखी हुई हैं। इन हर एम्बुलेंस में स्टाफ रखा हुआ है, उसके साथ फर्स्ट एड भी रखा है। ये रात के 2-2.5 बजे ख़त्म हो जाता है। इस बीच में हमने मेडिकल कैंप्स रखे हुए हैं तकरीबन 5 जगहों पर। इसके अलावा हमने 20 जहरा में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, वहाँ पर 100 से ऊपर जो ब्लड डोनर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं, ब्लड पॉइंट कलेक्ट करते हैं। और जितने भी हमारे मुहर्रम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं उनको हम हर किस्म की सहूलियत फराहम करते हैं। बिल्कुल वैष्णव, हम आपको क्योंकि हम तैयारियों को आपको दिखा रहे हैं, ये मेडिकल टीम है और आप देखिए क्योंकि यहाँ पर हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जो ये जुलूस आजा है वो बरामद होगा। आप देखिए भारी तादाद में जो आज़ादारान इमाम हुसैन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कुछ आज़ादारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे आज चूँकि आशूरा है। मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर इरशाद हुसैन है। मुझे बताइए क्योंकि आशूरा है, क्या मकसद है, क्या पैगाम रहेगा आपका आज के दिन के हवाले से? दरअसल ये जो आज़ादारी है ये हर दौर के यजीदियत जो है तो उसके खिलाफ एक आवाज़ है, तो इसलिए हम ये कोमेमोरेट करते हैं, फिर से याद ताज़ा करते हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आशूरा है तो ये वो सदाए हक बुलंद करने का मौका होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले बातिल और जालिम और जाबिर कुव्वतों के खिलाफ सफ आरा होकर उनके साथ लड़े और एक हक का पैगाम दिया। हक का पैगाम कि हाँ, अगर आप सच्चाई के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मरगूब नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो वैष्णवी, ये आज़ादार है क्योंकि आज आशूरा है और आज के दिन मैदान करबला में, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज 1446 हिजरी है, यानी 1446 हिजरी, और करबला का वाकया जब हुआ था उस वक्त 61 हिजरी थी, यानी 61 हिजरी थी, और तब से लेकर आज तक इतना वक्त हो गया है, लेकिन जो ज़माना है वो आज भी इमाम हुसैन को याद कर रहा है और आज भी, क्योंकि तब से ये आज़ादारी होती आ रही है, क्योंकि मैदानी करबला में जिस तरह से नवासे सरवरे कायनात हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों को आम किया जा रहा है, उस कुर्बानियों को दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। और क्योंकि ये आज़ादार, क्योंकि तब से मैदानी करबला को काफ़ी वक्त हुआ है, तब से ये लोग ये मातम कर रहे हैं। मकसद यही है दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे, आखिर करबला में हुआ क्या, करबला का मकसद क्या है, और अगर इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना दिया, अगर उन्होंने कुर्बानियां दी, वजह क्या था, मकसद क्या था। तो यहाँ पर एक और जो सीएमओ बड़गाम हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइए सीएमओ साहब, क्योंकि काफ़ी मुहर्रम के 10 दिन आज हो रहे हैं, आज 10वां दिन है,
किस तरह की तैयारियां आज के दिन आपने रखी गई है, बिसाइड्स जो आप कैंप लग रहे हैं उसके अलावा क्या क्या सहूलियत आप आज जो आजादार है उनको दे रहे हैं? देखिए जी, मेडिकल के हवाले से इसके मुहर्रम के दिन एक बहुत बड़ा रोल होता है मेडिकल का, तो हमने उस हिसाब से बहुत सारी तैयारियां की है, मुकम्मल तैयारियां। हमारे सारे बीएमओ साहिबान जितने भी हमारे पूरे मैं सिर्फ ब्लॉक बड़गाम की बात नहीं करूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब 63 प्रोसेशंस हो रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उसमें इसमें बड़गाम में करीब 20 के करीब प्रोसेशंस हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं प्रॉपर बड़गाम, अभी बीएमओ साहब ने आप बताया कि क्या इंतज़ाम हमने रखी हैं, 6 एम्बुलेंस गाड़ियां हमारे पास हैं और स्टाफ 100 के ज़्यादा स्टाफ हमने रखा है। और इसके अलावा हमारे बुलेट कैंप हो रहे हैं उधर बीच जहरा पार्क में, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी 3-4 के करीब कैंप लगाए, वो मेडिकल टीम्स रखी हैं। और जहाँ तक हम बड़गाम ब्लॉक की बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ इचगाम में भी आज प्रोसेशन निकल रही है, वहाँ भी हमने डेडिना पाटवा जोहामा यानी हर जगह आपकी टीम मौजूद है ताकि आजादार को फायदा मिले। वैष्णवी, क्योंकि जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं इंतजाम की तैयारी, हम आपको अंदर के भी विजुअल दिखाएंगे, क्योंकि अंदर से ये जो प्रोसेशन है वो अंदर से शुरू होगा। थोड़ा सा वीडियो कोशिश करेगा आपको यह मंजर दिखाने का, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, अभी ये आजादारी कर रहे हैं, जो शोदाई करबला है उनका ये मातम कर रहा है। यहाँ पर कश्मीरी मर्सिया ये पढ़ रहे हैं, नोहा खानी कर रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं। मकसद यही है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा करबला को तकरीबन 1400 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। और क्योंकि बड़गाम कश्मीर में शिया आबादी का मरकज़ माना जाता है, और यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, और यहाँ से तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोसेशन। बड़गाम चूँकि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, वहाँ पर ये इख्तिताम पज़ीर होता है। ये मनाजिर है यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जो जुलझना है या आलम शरीफ है वो यहाँ से बरामद होगा। अभी कुछ देर बाद जो अंजुमन शरीफ शियान के सदर है आगा सईद हसन, वो यहाँ पर आएंगे, फलसफा जो आशूरा है वो यहाँ पर बयान करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो है आशूर का जो जुलूस है वो बरामद होगा, जो बड़गाम में इख्तिताम पज़ीर होता है। इसमें एक ख़ास बात ये भी है, क्योंकि बड़गाम काफ़ी बड़ा इलाका है और मुख्तलिफ मकाम से यहाँ पर लोग आते हैं, अपना अपना अपने अपने तरीके से वो जी। आबिद, आप बने रहिए हमारे साथ, हम मुनीर का रुख करेंगे। मुनीर, गुलमर्ग में क्या कुछ आशूरा को लेकर तैयारियाँ की गई हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं? देखिए, आज उस अजीम शख्सियत का दिन है और जो शहीद आज़म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल, और उनकी शहादत को आज और उनके रफ़का की शहादत को आज याद किया जा रहा है और पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। और अगर हम मुख्तलिफ जगहों पे बात करें, क्योंकि जो मागाम है यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे अभी चंद मिनट्स में जुलूस जो है वो बरामद होगा, जुलझना शरीफ बरामद होगा, और इस सिलसिले में जो आज़ादार है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस शहादत को याद करते हैं, जो शहादत उन्होंने इस्लाम की बका के लिए, दीन इस्लाम की बका के लिए और एहतरामी आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए दिए है, और उस शहादत को याद किया जा रहा है। और पहले हम एक अजादार से बात करते हैं और उसके बाद हम इंतजाम के हवाले से बात करेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ एक अजादार हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएं, आज जो अजीम दिन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की बकाए के लिए जो कुर्बानी दी है, और क्या पैगाम है आज इस मौजूदा दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूम आशूरा है, जैसा कि सब जानते हैं आज यूम आशूरा है। आज ही के दिन इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। उतना ही नहीं, इमाम हुसैन के साथ जितने भी कबीले वाले थे, जितने भी उसके बेटे थे, जितने भी भतीजे थे, जितने भी बाये थे, उन सब को आज ही के दिन शहीद कर दिया गया। और उस बेदर्दी से शहीद किया गया कि दुनिया में ऐसी मिसाल आज तक किसी भी तारीख में नहीं मिलती है। इसीलिए इस आशूरा के दिन हम मातमी जुलूस निकालते हैं
हम खुद भी मातम करते हैं, आज़ादारी करते हैं, हम गिरिया जारी करते हैं इमाम हुसैन की याद में। जैसा कि सब जानते हैं कुरान मजीद में ये साफ वाजा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया मवद्दत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लास अलकुम अलैहि अजरन इलल मवद्दतन फिल कुरबा। हम अजर रिसालत कुछ नहीं चाहते हैं आपसे सिवाय मोहब्बत अहले बैत के। अब अगर हमें मोहब्बत है अहले बैत से बाकी तौर पर, तो हमें चाहिए कि जब उनका गम हो उनके गम में हम शरीक हो जाएं, जब खुशी हो उनकी तो उनकी खुशी में भी शरीक हो जाएं। आज चूंकि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, आज गम का दिन है, इसीलिए हम ये मातम मनाते हैं, इसीलिए हम गिरिया जारी करते हैं, इसीलिए हम आहवाजारी करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं सड़कों पे आके। एक्चुअली ये जो प्रोटेस्ट है ये जुल्म के खिलाफ है, क्योंकि इमाम हुसैन ने ही हमें समझाया कि तागूत के सामने कभी भी सर नहीं झुकाना, चाहे सर कटाना भी क्यों ना पड़े, क्योंकि जिल्लत की जिंदगी जो है उसे इज्जत की मौत ही बेहतर है। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो अजीम कुर्बानी है इस्लाम की बका के लिए, और आज पूरी दुनिया के साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ में इस तरह जुलूस आजा बरामद हुए हैं, और आज भी मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे भी जुलूस बरामद हुआ है, और ये जुलूस जो है मागाम में इख्तिताम पजीर होगा, और इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ जो गाँव है इलाके हैं वहाँ से भी जुलूस बरामद होंगे, और जो मरकजी इमाम बारगा अहमदपुरा है वहाँ पे ये इख्तिताम पजीर होगा। शाम तक ये जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और आपने जो सवाल पूछा इंतजाम के हवाले से, अगर हम इंतजाम की बात करते हैं तो महकमे हेल्थ का सबसे बड़ा रोल रहता है इन इंतजाम में, क्योंकि जब मातमी जुलूस होता है जंजीर जनी कुमा जनी होती है तो उस दौरान महकमे हेल्थ का बड़ा रोल रहता है। और आपने यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महकमे हेल्थ की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो साथ साथ जुलूस के साथ साथ चलेगी, और इसी तरह जहाँ पे भी इस तरह के जुलूस बरामद होते हैं वहाँ जो यानी महकमे हेल्थ है वहाँ, अगर हम इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं पुलिस का अहम रोल रहता है, और जम्मू कश्मीर पुलिस इस सिलसिले में यानी पेश रहते हैं, और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस साथ साथ जुलूस में साथ साथ रहते हैं, और इसी तरह हर तरीके से चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो उनका खासा रोल रहता है और उनकी काफ़ी निगरानी रहती है ऐसे जलसे जुलूसों को। और कुल मिला के जब हम देखते हैं जो ये अजीम दिन है आज जो इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासे रसूल हैं उन्होंने जो कुर्बानी दी है बेश बहा कुर्बानी दी है, और जो उन्होंने लासानी कुर्बानी और सिर्फ इंसानियत के लिए और जो मौजूदा जुल्म के खिलाफ उन्होंने यह आवाज़ उठाई है, और क्योंकि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है ये सिर्फ 1400 साल पहले की कुर्बानी नहीं है, बल्कि उन्होंने ये पैगाम दिया है, वाज़ह पैगाम दिया है कि जिस दौर में भी जुल्म जबर हो रहा है उस जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाना है, और उस जुल्म जबर के खिलाफ सिर्फ आरा होना है, और उस तागूत के खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिल्लत की मौत से बेहतर इज्जत की मौत यानी बेहतर है, क्योंकि जो भी उलमा हैं इन दिनों जो पहले मुहर्रम से दसवीं मुहर्रम तक जो मुख्तलिफ जगहों पे इज्तिमात होते हैं, और इसके बाद भी, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुहर्रम का पूरा महीना जो है इसमें मजालिस होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, मुख्तलिफ ताजिया शबिया निकाले जाते हैं, और उसके बाद जो सफर का महीना है कुल मिला के ये 2 माह पे मुश्तमिल ये जो आज़ादारी का सिलसिला जो है वो रहता है मुहर्रम और सफर के महीने में, और उनमें भी बड़े इज्तिमात होते हैं, जैसा कि कल भी मागाम में बड़ा इज्तिमा होगा जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, नूरीपुरा में कल इज्तिमा होगा और वहाँ पे लोग आएंगे, और कुल मिला के जो इंतजामिया है वो भी इसमें चाकू चौबंद रहते हैं और मुस्तैदी से वो काम करते हैं हर तरीके से, चाहे बिजली की सप्लाई हो पानी की सप्लाई हो और हर तरह के जो इंतजाम हैं वो रखे जाते हैं, और ताकि जो आज़ादार हैं उनको कोई दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्ज दिया है कि हर मजहब, और क्योंकि ये वो दर्जगाह है जिस दर्जगाह पे हर मजहब के लोग हर
50 लाख के लोग आते हैं, क्योंकि इमाम ने यही पैगाम दिया है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। इस दर्जगाह पे जो इमाम हुसैन की दर्जगाह है, जो इमाम हुसैन का मकतब है, वहाँ कोई मसलक, कोई बिला तफरीक मजहब व मसलक के लोग, मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और इमाम हुसैन की उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। जैसे भी हमने कुछ दिन पहले से देखा है, चाहे सिख बरादरी के लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग हैं, या सुन्नी मसालिक के जितने भी लोग हैं, वो आते हैं इन मजालिस में शिरकत करते हैं और इमाम हुसैन के इस गम में शरीक रहते हैं। और ये एक अजीम कुर्बानी है और यही कुर्बानी जो है वो दर्ज दिखाती है कि किस तरह से इंसान को इस दुनिया में जीना है और किस तरह से इंसानियत का दर्ज देना है, किस तरह इंसान का जो यहाँ रहन सहन है माशरे के अंदर हर दौर में, और किस तरह इस चीज को संभालना है, चलाना है। जी जी मुनीर, आपका और आबिद आपका, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल